नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरडी। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरिडीह। शहर के बोड़ो स्थित प्लाईवुड गोदाम समेत तीन गोदाम में बीती रात लगी भीषण आग। एक कार, बाइक समेत गोदाम में रखे प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लंबित कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। टावर चौक से कल्याण जी तक बनने वाले सड़क निर्माण कार्य में एक सप्ताह में आएगी तेजी। कचरा डंप होने वाली जगह पर आने वाले समय में बनेगा बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स। गिरिडीह जिला में चौकीदार संवर्ग के पद पर होने वाली भर्ती को लेकर कराई जाने वाली शारीरिक जांच और दौड़ के आयोजन को लेकर उपायुक्त ने अधिकारी के साथ की बैठक। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होगा दौड़। पारदर्शिता और सफल आयोजन को लेकर वरीय पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को दिया खास निर्देश। बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर पहुंची गिरिडीह। जिला परिषद के सामने कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का की उद्घाटन। बिखेरी जलवा पुराने गाने पर अभिनेत्री ने लगाई झुमके, लोगों को देखने को मिला हुजूम। और स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी और शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर किया गया धरना प्रदर्शन। प्राचार्य को कुलपति के नाम दिया गया लिखित आवेदन। और अब खबर विस्तार से। बोड़ो में स्थित प्लाईवुड के दो और बिजली सामान के एक यानी कुल तीन गोदाम में भीषण आग लगने से संचालकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बुधवार सुबह 10 बजे इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि आग मंगलवार की मध्य रात्रि को लगी थी। आग लगने की वजह से लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इस घटना में गोदाम में रखा प्लाईवुड समेत कई सामान के अलावा 3 मोटरसाइकिल और 1 SUV कार पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना को लेकर बाबाधाम प्लाईवुड के संचालक रवि कुमार साहू ने बताया कि बोड़ो हवाई अड्डा के बगल में झूमराज इंटरप्राइजेज, बाबाधाम प्लाईवुड और एक बिजली के सामान का गोदाम है। बाबाधाम के संचालक वह खुद हैं, जबकि झूमराज इंटरप्राइजेज उनके ससुर भुवनेश्वर प्रसाद साहू का है। वहीं बिजली के सामान का गोदाम अमित कुमार का है। तीनों गोदाम एक दूसरे से सटा हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए एक गोदाम संचालक रवि ने बताया कि उसके 2 कर्मी गोदाम में ही रहते हैं। रात को 11:30 से 12 के बीच अचानक कर्मियों ने फोन किया कि गोदाम में आग लग गई है। यह सुनते ही वह आनंद फानंद में गोदाम पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। रवि ने बताया कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक आग बुझाने का काम चलता रहा। कई बार वाहन में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बुझी नहीं। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से कितना का नुकसान हुआ होगा? ये 1.5 करोड़ से 1.80 लाख का नुकसान। कैसे पता चला आपको कब आग लगी थी? ये मेरा आदमी 2 यहाँ सोया हुआ था, सबका नींद टूटा, शायद परेशानी हुआ होगा तो नींद टूटा, बोला फोन किया हमको, भैया यहाँ पूरा धुआं धुआं, आग लग गया, जल्दी आइए। बोला तो सबको फोन कर रहे, तो फोन मेरा लग से लग नहीं रहा। स्टाफ लोग फिर फोन किया, जितना अपना आदमी था सबको फिर फोन किया, सब पहुँचा घर अंदर।
फायर ब्रिगेड वाला आधा घंटा में पहुंचा, फिर जब तक ये पहुंचा तब तक आग भयंकर रूप ले चुका था। क्या नाम है इनका दुकान का? तीन ठो दुकान है, एक ठो मेरे नाम से बाबा धाम प्लाईवुड, दूसरा झुमराज इंटरप्राइजेज मेरे ससुर जी के नाम से है, और तीसरा मेरा ममेरा भाई का वो किराए पे दिए हुए, तीसरा वो नाम हम नहीं बता सकते, शायद आएगा अभी तो नाम। तीन गोदाम है यहाँ, तो वो तीसरा गोदाम का जानकारी मुझे नहीं है किसके नाम से, सिर्फ ये जानते कि जमीन मेरा ममेरा भाई का। कितना का गाड़ी अब तक जो सो पानी खर्च हो चुका है? देखिए हम तो गिने लेकिन हमको लगता है 16 गाड़ी समथिंग हो गया, जो कंडीशन देख रहे हैं 16 गाड़ी और ना लगे अभी तक आग बुझा ना है। बिगरेट वाला सिर्फ ठंडा करने का काम कर रहा है, आग जनी को बचा ना पाया। अब क्या नाम हुआ अभी आप? मेरा रवि कुमार साहू। सुदिव्य कुमार सोनू ने बुधवार को 12 बजे परिषद भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर इन्होंने झारखंड सरकार द्वारा संचालित लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। कहा कि प्रखंड जिला स्तर पर जो भी लंबित योजना है उसे तेज गति से पूरा किया जाएगा, वहीं DPR का जो काम रुका हुआ है उसे भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कहा कि नगर निगम की ओर से भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने बताया कि लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आने वाले समय में CCL क्षेत्र में 3300 आवास की स्वीकृति को लेकर प्रयास किया जाएगा। कहा कि झिंझरी मोहल्ला के सामने 9.5 एकड़ जमीन जहां कचरा डंप किया जाता है उसे खाली करवाकर आने वाले समय में बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं वेस्ट कचरा यूनिट को निगम से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। विधायक ने कहा कि PWD के माध्यम से टावर चौक से कल्याणी तक बनने वाले सड़क का निर्माण कार्य में 1 सप्ताह के बाद तेज किया जाएगा। निर्माण कार्य में बिजली पोल और वृक्ष आ जा रहे हैं, इसको लेकर वन विभाग के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी को बताया गया है। वहीं संवेदक को पर्याप्त मात्रा में सड़कों पर पानी का छिड़काव करने को कहा गया है ताकि लोगों को धूल से परेशानी ना हो। मौके पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हम लोगों ने की पिछले कार्यकाल की जो योजनाएं लंबित थी उन योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हम लोगों ने समीक्षा की। जो योजनाएं मुख्यालय स्तर से लंबित हैं उनमें मुख्यालय स्तर में काम किया जाना है, जो योजनाएं DPR बनाने से संबंधित हैं और जिला स्तर पर लंबित हैं उन पर काम किया जाना था। उस तमाम चीज़ों को हम लोगों ने आपस में बात कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण CCL क्षेत्र में आने वाले 3300 आवासों के को किसी भी तरीके से स्वीकृति दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे और निगम की अन्य योजनाओं को जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। ये जो झिंझरी मोहल्ला के सामने लगभग 9.5 एकड़ भूमि जहाँ पर कि कचरा डंप होता था, लैंडफिल साइट थी, इसको क्लियर करते हुए आने वाले समय में एक बृहद मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाने का प्रपोजल है जिसका निर्देश हमने पदाधिकारियों को दिया है। और जो इसका वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो लगा हुआ है, इस वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट को भी निगम क्षेत्र से बाहर ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। ये फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट नहीं, ये PWD की जो सड़क, RCD की जो सड़क, अच्छा, यहाँ से कल्याणडी पचम्बा टावर चौक से कल्याणडी पचम्बा तक बन रही है, उसमें बिजली विभाग का यूटिलिटी शिफ्टिंग और जो गाछ हैं उनके वृक्ष पातन का अनुमति के लिए विभाग के द्वारा लिखा गया था। तो संवेदक, RCD, बिजली विभाग और वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने समीक्षा बैठक कर ली। 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग इस काम को बड़ी तीव्र गति से चलाएंगे और साथ में संवेदक को इस बात का निर्देश दिया गया है कि पानी के छिड़काव में कोई कमी नहीं करेगा। आम नागरिकों को का जनजीवन जो धूल गर्दा उड़ने के चलते अस्त व्यस्त हो रहा है उसको सुरक्षित रखना और उसको बचाना इनकी जवाबदेही है और हमारे RCD के पदाधिकारी जो हैं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। चौकीदार बहाली के सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक माप, शारीरिक जांच और दौड़ के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को 2 बजे DC ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के वरीय पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त दौड़ कराना हम सभी की जिम्मेदारी है।
चौकीदार के पद पर नियुक्ति को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। साथ ही कड़ी सुरक्षा व निगरानी के बीच अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक माप, शारीरिक जांच और दौड़ दिनांक 5 दिसंबर, 6 दिसंबर तथा 7 दिसंबर को गिरिडीह स्टेडियम मुफस्सिल थाना के नजदीक में रोल नंबर वाइज निर्धारित है। बताया गया कि सुबह 5 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों एवं ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगा। आयोजन स्थल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं रहेगी। दौड़ में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएंगे। प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पेयजल व अन्य आवश्यक व्यवस्था रहेगी। आकस्मिक सेवा में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह और डुमरी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। ज्वेलर्स के शोरूम का बुधवार शाम 5 बजे जिला परिषद चौक के समीप विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने शिरकत किया। करिश्मा के एक झलक पाने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा। कल्याण ज्वेलर्स के ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए करिश्मा कपूर ने कहा कि यह गौरव की बात है कि गिरिडीह शहर में कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम खुल गया। पूरे देश में अब तक 355 कल्याण ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन हो चुका है। जल्द ही देवघर में भी इसका ओपनिंग होगा। उन्होंने बताया कि आकर्षक और कई डिजाइन के ज्वेलरी जो लोगों को पसंद आएंगे, इस प्रकार के सभी ब्रांड मौजूद हैं। इस मौके पर शोरूम के संचालक सुमन गौरी सरिया ने बताया कि आकर्षक और डिजाइनदार ज्वेलरी के लिए लोगों को अब दूसरे शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल्याण ज्वेलर्स गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। कहा कि हर तरह के ज्वेलरी यहां उपलब्ध रहेंगे। वहीं मेकिंग चार्ज में वर्तमान में 50% की डिस्काउंट भी दी गई है। लोगों से इन्होंने इसका फायदा उठाने की अपील की। मौके पर सिद्धार्थ गौरी सरिया, शशांक गौरी सरिया, शीतल गौरी सरिया, पूजा गौरी सरिया, डॉक्टर विकास लाल समेत शहर के कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। ये गिरिडीह कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है गिरिडीह। आप सबका प्यार देखकर बहुत मजा आ गया। यहाँ कल्याण ज्वेलर्स का नाम स्टोर लॉन्च हुआ है। जरूर आइए अपनी फैमिली के साथ और आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बुधवार को 11 बजे गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया। यहां स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी और शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर विरोध जताया गया। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्राचार्य अनुज कुमार को विश्वविद्यालय प्रशासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें से स्नातक सेमेस्टर 3 के 5 विषय की परीक्षा पेंडिंग परिणाम को जल्द जारी करने और गिरिडीह महाविद्यालय में कुल 7 विषयों में रिक्त प्रोफेसर को जल्द पूर्ति करने एवं जिस विद्यार्थियों को 1-2 अंकों से फेल कर दिया गया है, उन सारे विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की मांग की गई। जनजातीय सब प्रमुख मंटू मुर्मू ने कहा कि विश्वविद्यालय हर बार ऐसी गलती करती है जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। इस दौरान प्राचार्य अनुज कुमार के द्वारा विश्वविद्यालय कुलपति से दूरभाष पर वार्ता कर 1-2 दिन में परीक्षा परिणाम सुधार करने का आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त किया गया। मौके पर कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शुभम तांती, अनीश राय, मौली कुमारी,
पूनम कुमारी, अंशु कुमार, प्रीति कुमारी, अफरोज अंसारी, राहुल कुमार, आशीष राज, सचिन, नितेश, लैबा परवीन, प्रसिद कुमार, चैतन्य मिश्रा, अंकित पांडे, अंकित पासवान, कैकेशा परवीन, अभिमन्यु सिंह, नंदकिशोर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी विद्यार्थी टेंशन में हैं, परिस्थिति अच्छा नहीं है। रिजल्ट एक तो पेंडिंग में कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट पास या प्रमोट में भी है उसका भी मार्क्स जो लिखा है जैसा उसका मार्क्स आना चाहिए वैसा दिया नहीं गया है। वो पास है इसीलिए स्टूडेंट घर में है, लेकिन मार्क्स में सुधार होना चाहिए। जो स्टूडेंट एक मार्क्स से दो मार्क्स से फेल हैं उसको इसलिए फेल कर दिया गया है ताकि वो फिर से फॉर्म भरे और पैसा यहाँ जमा हो सके। हम लोगों का अभी सेशन देंगे और जो रिजल्ट भी आता है जो लिखते हैं वो भी रिजल्ट उसका रिजल्ट का मार्क्स सही नहीं मिलता है। इसीलिए टीचर से रिक्वेस्ट है कि कॉपी अच्छा से चेक करें और सारा ध्यान इलेक्शन में ना देकर हम लोग की कॉपी में भी ध्यान दें। सारे टीचर्स और सारे जो भी कार्यरत हैं अभी वो उनका सारा ध्यान इलेक्शन में था, रिजल्ट कॉपी अच्छा से चेक नहीं हुआ इसीलिए रिजल्ट पेंडिंग में और फेल में आया। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका मूल कारण है हाल ही में जारी स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी और गिरिडीह महाविद्यालय में शिक्षकों को कमी को दुरुस्त करने के लिए आज हम लोग धरना दिए हुए। जैसे कि आप सबों को बता दें कि हाल ही में सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें क्योंकि गिरिडीह महाविद्यालय पढ़ने के लिए अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं और उस बार बार उन्हें जानबूझकर एक मार्क्स से यदि फेल कर दिया जाता है तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ती है और विद्यार्थी विवश होकर पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं। तो विश्वविद्यालय से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और जो भी अभी परीक्षा परिणाम में जो भी धांधली हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है और जिन्हें भी जिस विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम पेंडिंग है उन सारे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तुरंत ही सुधार किया जाए और जिस भी विषयों में गिरिडीह महाविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है उन सारे विषयों में प्रोफेसर जल्द ही बहाल की जाए ताकि विद्यार्थी अपना परीक्षा बढ़िया से दे सके और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर सके। धन्यवाद। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने पुराना नगर निगम परिसर में खुले में रखे हुए नगर निगम के करोड़ों रुपयों के मशीन को लेकर बुधवार को 11 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम एक आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि 30 से 40 करोड़ रुपए के महंगे ऑटोमेटिक सफाई की मशीन, झाड़ू लगाने वाली मशीन, पानी का टैंकर, फॉगिंग मशीन, ट्रैक्टर और अन्य कई तरह की मशीन खरीदी गई थी, लेकिन आज उसे नगर निगम के पुराने परिसर में बिना छत के नीचे रख दिया गया है। धूप और पानी के कारण मशीनों में जंग लग गया है, वहीं मशीन के आसपास घास भी उग गया है। बताया गया कि आधुनिक मशीन नगर निगम की ओर से खरीद लिया गया है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, साथ ही उसे सुरक्षित रखा भी नहीं जाता है। राजेश सिन्हा ने नगर निगम के इस रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने यह भी मांग किया कि नगर निगम के द्वारा जो पानी नल के द्वारा पिलाया जाता है उस पानी की जांच करवाई जाए, वहीं सुबह शाम पानी का भी सप्लाई नहीं होता है इस पर भी जांच कर नगर निगम को सुबह शाम पानी सप्लाई करने का आदेश करने की अपील उपायुक्त से की गई। कहा कि इन बिंदुओं पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जल्द ही अनिश्चितकालीन धरना नगर निगम कार्यालय के बाहर किया जाएगा। नगर निगम में पिछले 6 महीना पहले लगभग 30-40 करोड़ का मशीन खरीदा गया था पूरे नगर निगम के 36 वार्डों को साफ करने के लिए, उसके जो धूल कण है उसको ऑटोमेटिक उठाने के लिए ऐसे कई मशीनें हैं 6 महीना पहले खरीदा गया, आज तक पुराना नगर निगम के कंपाउंड में रखा हुआ है, सबके नीचे घास आ गया है, यूज नहीं हुआ है। आज के डेट में कितने को वहाँ पर अगर काम मिल जाता, रोज़गार मिल जाता, एक तरह से जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आखिर किस लिए खरीदा गया, खरीदने के पीछे क्या कारण था और उस समय के जो अफसर थे
या उस समय के जो कर्मी हैं, इसमें आखिर इसका कारण तो बताना पड़ेगा कि गिरिडीह में अगर मान लीजिए 6 महीने पहले खरीदा गया है और अभी तक इसका कोई यूज नहीं है, वो बर्बाद हो रहा है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, मतलब कि अगर चक्का के नीचे घास उग रहा है और उसका कोई यूज नहीं है तो इस पर आवाज़ तो बनता है। भाकपा माले ने इस पर आवाज़ कुछ दिन पहले उठाया था, आज उपायुक्त महोदय को लिखित जांच के लिए कहा है, निश्चित रूप से सामने आएगी बात। और साथ ही साथ नगर निगम का एक और है कि जो सुबह शाम पानी देने की जो बात हो रही है या बात की जाती है, मिलता नहीं है। वो भले अपने डायरी में डायरी मेंटेन करते होंगे जो संवेदक है कि सुबह शाम हम पानी दे रहे हैं, लेकिन पूरा 36 वार्डों में पानी नहीं मिल रहा, और जो पानी मिल भी रहा है वो जांच का विषय है, वो पीने योग्य नहीं है, और उस पर भी जांच करने के लिए हमने उपायुक्त महोदय को दिया है। क्योंकि नगर निगम में अभी कोई है नहीं, पिछले 1.5 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ अफसर हैं, जितने भी वहाँ जनप्रतिनिधि, अभी उनका कोई विशेष काम रहा नहीं, चुनाव होने के बाद होगा। तो इस पर आवाज उठाने की जरूरत है और हम लोग इसकी आवाज हमेशा बुलंद करते हैं। धन्यवाद। डुमरी पुलिस ने टोल प्लाजा कुलगो के पास बुधवार को प्रतिबंधित मांगूर मछली लदे 2 वाहनों को पकड़ा। डुमरी थाना प्रभारी प्रनीत पटेल ने बताया कि मछलियां 2 ट्रक में ले जाई जा रही थी, जिसे जांच हेतु पकड़ा गया। साथ ही चालक, उपचालक व लेबर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसकी सूचना मत्स्य विभाग को दे दी गई है, जबकि SDPO डुमरी सुमित प्रसाद ने बताया कि मछली लदे 2 वाहनों को जब्त किया गया है और जांच की जा रही है। बताया कि पुलिस NH-19 पर लगातार जांच अभियान चला रही है ताकि रोड से प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन नहीं हो सके। बताया कि क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कारोबार का संचालन होने नहीं दिया जाएगा और न ही परिवहन करने दिया जाएगा। कहा कि ऐसे धंधे में शामिल धंधेबाजों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि NH के रास्ते प्रतिदिन बंगाल से बिहार की ओर प्रतिबंधित मांगुर मछली लदे दर्जनों ट्रकों का परिवहन किया जाता है। निमियाघाट के 1-2 व्यक्ति द्वारा फर्जी बिल्टी जारी कर प्रतिबंधित मांगुर मछलियों का परिवहन कराया जाता है। गांडे की डोकीडी में अंबेडकर आवास पारित कराने के नाम पर लाभुक से रुपए लेने का मामला सामने आया। घटना को लेकर लाभुक की शिकायत पर बुधवार के सुबह 11 बजे गांडे बीडी निषाद अंजुम डोकीडी पहुंची। यहां इन्होंने लाभुक वार्ड सदस्य तथा ग्रामीणों से पूछताछ किया। ग्रामीणों की उपस्थिति में लाभुक ने पंचायत सेवा को अम्बेडकर आवास पारित कराने के नाम पर रुपए देने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में अम्बेडकर आवास, पीएम आवास, अबू आवास समेत अन्य योजनाओं में पंचायत सेवक द्वारा 500 से 1,000 रुपए वसूली की बात सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार डोकीडी पंचायत के गिरनिया निवासी मोहम्मद ताज के माता हसीना बीबी के नाम से अंबेडकर आवास पारित कराने के नाम पर पंचायत सेवक किशोर यादव ने 5,000 रुपए की मांग की। पंचायत सेवक की बात पर उन्होंने 4 महीने पहले वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद निजाम के सामने पंचायत सेवक किशोर यादव को 5,000 रुपए दिया, पर रुपए लेकर पंचायत सेवक चाल मटोल करने लगे। घटना को लेकर गिरनिया निवासी मोहम्मद ताज ने उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, गांडे विधायक, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार एवं गांडे BDO को आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की। मोहम्मद ताज ने आवेदन में पंचायत की जुलेखा बीबी, पति मोहम्मद मजीद जिसके नाम से PM आवास था, उसे अब आवास का लाभ मिला। साथ ही सकीनी देवी, साजीना खातून, रूबी खातून, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद मकदूम जिसका ढलाई का काम है, बड़े बड़े घर हैं, उसे भी योजना का लाभ मिला है। इन योजनाओं की जांच एवं कार्रवाई की थी। BDO निषाद अंजुम ने बताया कि विकास आयुक्त के निर्देश पर डोकीडी पंचायत के विभिन्न गांवों में शिकायत के आलोक में जांच की गई। जांच के समय लाभुक ने पंचायत सेवक को रुपए देने की बात कही। योजनाओं की जाँच के उपरांत विकास आयुक्त को रिपोर्ट भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान साथ में पंचायत मुखिया अकबर अंसारी, उप मुखिया मुकेम अंसारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, PM आवास प्रखंड सनबैक पवन कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे।
शहर के बोड़ो स्थित प्लाईवुड गोदाम समेत तीन गोदाम में बीती रात लगी भीषण आग। एक कार बाइक समेत गोदाम में रखे प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लंबित कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। टावर चौक से कल्याण जी तक बनने वाले सड़क निर्माण कार्य में एक सप्ताह में आएगी तेजी। कचरा डंप होने वाली जगह पर आने वाले समय में बनेगा बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स। गिरिडीह जिला में चौकीदार संवर्ग के पद पर होने वाली भर्ती को लेकर कराए जाने वाली शारीरिक जांच और दौड़ के आयोजन को लेकर उपायुक्त ने अधिकारी के साथ की बैठक। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होगा दौड़। पारदर्शिता और सफल आयोजन को लेकर वरीय पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को दिया खास निर्देश। बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर पहुंची गिरिडीह। जिला परिषद के सामने कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का की उद्घाटन। बिखेरी जलवा पुराने गाने पर अभिनेत्री ने लगाई झुमके। लोगों को देखने को मिला हुजूम। और स्नातक सेमेस्टर 3 की परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी और शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर किया गया धरना प्रदर्शन। प्राचार्य को कुलपति के नाम दिया गया लिखित आवेदन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस न्यूज़ की टीम को इजाजत। नमस्कार।